पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर किस तरह से जुल्म ढाया जाता है, इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले कविता नाम की हिंदू लड़की को जबरन अगवा कर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, और अब अल्पसंख्यकों के धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री चलाने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी मियां मिट्टू के गुंडों ने रात को हिंदू बच्ची कविता के घर को आग लगा दी। इससे पहले मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कविता का अपहरण कर लिया था और मियां मिट्टू ने उसका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया था। वो वीडियो भी जबरदस्त तरीके से वायरल हुई थी, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से कट्टरपंथी उस मासूम लड़की को घेरे खड़े थे, कुछ गाया जा रहा था और वो मासूम लड़की चुपचाप डर के मारे उनके सामने बैठी रही। कविता के पिता तख्त ने जब इसका विरोध किया तो अब उनके घर को आग लगा दी गई है। दरअसल तख्त ने कविता के अपहरण के खिलाफ प्रदर्शन किया था। कविता का मियां मिट्टू ने धर्म परिवर्तन कराया था, जो प्रधानमंत्री इमरान खान का बेहद ही खास है। उसने घोटकी में अपने अड्डे पर यह धर्म परिवर्तन कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी बीच मामले में और बड़ी अपडेट देते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उपाध्यक्ष सुखदेव हेमनानी, जो मामले को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कविता जो लापता हो गई थी, आखिरकार कंधकोट पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। उसे आज अदालत के सामने पेश किया जाना था, फिलहाल वो काफी दबाव में है, इसीलिए कल सुबह कोर्ट में उसका बयान दर्ज किया जाएगा और फिर उसी के अनुसार केस तय किया जाएगा। अदालत ने कविता बाई को कंधकोट के सरकारी सुरक्षित घर में भेज दिया है। हेमनानी ने कहा कि सिंध सरकार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस केस का ओलोप कर रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध में 13 साल की हिंदू लड़की का बहलानी जनजाति के एक मुस्लिम द्वारा अपहरण कर लिया गया। उसके बाद बरेलवी मौलवी मियां मिट्टू ने उसका जबरदस्ती धर्मांतरण करा दिया। इसके बाद मौलवी ने लड़की की शादी उसी अपहरणकर्ता से ही करा दी। जिस तरह की वीडियो और फोटो सामने आई थी, उससे पता चल रहा था कि लड़की नाबालिग है। दरअसल पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के अपहरण और धर्मांतरण के बाद शादी की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 15 साल की हिंदू लड़की महक कुमारी, जो कक्षा 9 में पढ़ती थी, उसका जैकबबाद जिले के अली रजा सोलंगी ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद अली रजा ने लड़की से जबरन शादी भी कर ली थी। फिर यह मामला पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, जिसके बाद कोर्ट ने लड़की को रिहा करने का आदेश दे दिया था। लेकिन जो पाकिस्तान लगातार कश्मीर में अत्याचार की बातें करता है, उसके खुद के देश में किस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर इमरान खान क्यों आंखें मूंदे बैठे हैं, क्यों उन्होंने अपना मुंह सील लिया है, इस तरह की घटनाओं पर आखिर कब बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।